इसमें हम लोग डालेंगे हमारा खड़ा मटर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अभी छुड़ा रही है मटर, और मटर का आज हम लोग बनाने वाले हैं मटर का दाल। ऑल द बेस्ट। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. सब तो कैसे हैं? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे, साथ साथ में हम सब भी अच्छे हैं। तो अभी हम रेडी कर रहे हैं स्कूल के लिए दी उड़ानी को। और आज मेरा प्रोग्राम है तो मम्मा तुम अपना आशीर्वाद दे रही है बेटी को। तो आज है गाइस स्कूल में पीयू का प्रोग्राम, और प्रोग्राम में पीयू रानी भी पार्टिसिपेट की है। शुक्रभात, इसको पोयम वगैरह कुछ बोलेगी ऐसा हिंदी का। और तुम दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, सीधे उठना, हम इसको डांटेंगे तो दूध नहीं पिएगी। बिल्कुल दूध भी नहीं पी रही, कुछ खा भी नहीं रही। दूध बॉटल लो, बस चॉकलेट, बस चॉकलेट। डंटा ला, वहां है डंटा, रुक जा। मुझे ये वाला ही स्वेटर खरीदना था। यही हम लोग कल रात को गए हुए थे ये वाला स्वेटर लेने के लिए, यूनिफॉर्म में स्वेटर और शूज। भगा देते ना, भगा देते। और गाइस यहाँ अगर ठंड का बात करो तो पूरा ठंड बढ़ चुका है, बारिश तेज वाला आ रहा है, कभी तेज कभी धीरे, ऐसा बारिश आ रहा है सो आ रहा है। पूरा देखी सकते, पूरा गेट वेट सील पैक करके अंदर ही रेडी करके गाड़ी से भिजवा रहे हैं, बगैर गाड़ी का तो चलता भी नहीं। गाइस मैं ये वाला पोयम गाने वाली हूँ, सुप्रभात। तो मैं तो स्टेज में गाऊंगी, पहले मैं आपको सुना देती हूँ। उसका नाम है सुप्रभात, सुप्रभात। मेरा नाम पीयू रानी, मैं कक्षा प्रति में पढ़ती हूँ। आपके सामने एक हिंदी कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है घड़ी लगी दीवार पर। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करके चलती है हर घंटे की बात, तो हिंदी कर तो बसती है। तुझे देखकर पता चलता कब खाना कब पढ़ना है, तुझे देखकर पता चलता कब उठना कब सोना है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। तो गाइस मैं ये सुनाने जा रही हूँ, आपको अच्छा लगा मेरा पोएम तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाँ कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि मेरा पोएम कैसा लगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बाय बाय। देखो गाइस नेक्स्ट ब्लॉगर, बेस्ट ब्लॉगर, नेक्स्ट ब्लॉगर पीयू रानी बनने वाली। क्या बोल रही हूँ मैं, तुम्हें समझ आ रहा ऑल द बेस्ट बेटा, चलो अच्छा, चलो गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बच्चा, अच्छा से पोयम बोल देना। मेरा शूज एकदम बड़ी दीदी जैसा लग रहा है। बड़ी दीदी हो ही रही हो तो नानी मक ब्लेस ले लो। उधर आगे से बैठो बेटा, चलो नहीं बेटा चल जाओ ना, और चल चल बैठो ना, बैठो, बैठते हैं, चलो चलो चलो, नहीं तुम बैठो ना, आगे बैठो ना बेटा, लेट हो रहा है ना, हम पीछे बैठ जा रहे, चलो। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं गाइस बेटी को छोड़ने के लिए। मम्मा का फेस देख के लगता है कि मम्मा एक नंबर की टॉपर है, और आपको देख लगता है ना देखो जमाने में कैसे खेला जाता था। अरे जमाना भीड़े लाल, अरे भीड़े लाल। बाय पीयू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। पीयू रानी तो चली गई स्कूल, और हमको भी ले ही आए, कितने मना कि हर्ष के टाइम नहीं आए हैं, हर्ष जाने का, मम्मा उसको छोड़ने आ गई, तो मुझे नहीं, उसके लिए अलग टेंशन बोला करेगा, ऐसे कर देता है। अभी हम लोग चल दिए गाइस घर के लिए, मोबाइल नहीं मिला है सच में मेरा, मतलब जैसे कैमरा कभी कभी हम पकड़े रहते हैं ना स्कूल के पास आते हैं, तो अक्सर जब भी आते हैं हम वहाँ शूट करते ही है, तो वहाँ पे जो एक गेट कीपर है ठापा भैया, वो क्या करते हैं ना, अजीब सा देखते हैं, अजीब नजरों से देखते हैं, सोचते हैं कि जब आती है औरत पागल है क्या करती है, हमेशा जब आती है जब शूट करती है, मैं क्या ही बताएं गाइस, हम लोगों को पागल ही कहा जाता है, ब्लॉगर लोग को अक्सर ऐसे ही बोला जाता है, क्योंकि जिसको पता नहीं है, अक्सर तो अब बहुत लोगों को पता चल गया ब्लॉग के बारे में। क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे है,
उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। बड़ा मस्त इंट्रो कर दिया है। तो अभी गाइस स्कूल से आने के बाद, बच्चों को छोड़ने के बाद आ गया हमारे घर दूध। अभी और देंगे 3 किलो? नहीं 2 किलो, 2.5 किलो आता है। तो अभी जस्ट गाइस आए स्कूल से बच्चों को छोड़कर, और जस्ट ही दूध आया और दूध ले लिए हम। और ना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, बारिश जो स्टार्ट हुआ ना इसकी वजह से शॉल वगैरह हम ओढ़ लिए हैं। देखो ऊपर से डायलॉग मिल गया। तो चलो इनको चाय बना कर देते हैं। मम्मी अभी छुड़ा रही है मटर, और मटर का आज हम लोग बनाने वाले हैं मटर का दाल, और बहुत महंगा है मटर इसलिए कुछ ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ना मम्मी। कोई भी सब्जी वगैरह हो हर किसी के साथ होता है। गोभी नया नया उतरता है, देखती हो ये गोभी मिला दो आलू में तो क्या टेस्ट लगता है। ऐसे लगे आज का गाइस हमारा मटर का दाल हम लोग बनाने वाले हैं। और मटर तो आप लोगों को मालूम ही है कि क्या भाव चल रहा है, सब्जी मंडी का भाव बहुत महंगा है, और जैसे ही जितना ही महंगा रहता है मटर उतना ही टेस्टी लगता है। मटर क्या कोई भी सब्जी जितना दिन तक महंगा चलता है उतना दिन तक जो है वो महंगा अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे धनिया पत्ता, अभी मम्मी धनिया पत्ता तोड़ रही है ना, अभी है, अभी तो है, थोड़ा सुगंध है इसका, जो महक होता है ना वो महक है, मगर एक समय आएगा ना घास की तरह लगेगा उसको। धनिया पीसने के बाद चटनी जैसा नहीं लगता है ना मम्मी, उसमें अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डाल के भी बनाओ तो टेस्टी नहीं लगेगा। ऐसे अभी वाला धनिया जो है ये देखो, ये धनिया मतलब लाजवाब, अभी भी महक है इसमें, और इससे भी पहले जो उतरा था उसमें तो एक पत्ता से महक जा रहा था। नहीं मम्मी, तो वेदर की बात करो तो वेदर का ये हाल है, मौसम का हाल, झीसी 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 पड़ के ये हाल रखा है। देखो पूरा मेरा सोसाइटी जो है एकदम साइलेंट मोड पे है पर डे की तरह। सो अभी हम सोचेंगे थोड़ा सा बाहर चलो, मूड फ्रेश हो गया। तो मूड क्या फ्रेश होगा, किच किच हो गया, और इतना ठंड बढ़ गया ना कि मत ही पूछो। बेटा बेटी को मतलब ऐसा, मैं उठे ना आज मॉर्निंग में, तो उठे तो मम्मी से बोले मम्मी आज छोड़ दे क्या बच्चों को, स्कूल नहीं भेजे क्या? तो मम्मी डांटी कि नहीं ऐसे थोड़ी होता, बारिश आएगा तो छोड़ देगी। पापा अलग एग्जाम्पल देने लगे कि बारिश हो तूफान हो देखो हम जा रहे अपने काम पे, तुम बच्चा को अलग से बोल रही है छोड़ दे। बोले बाप रे इतना लेक्चर कौन सुनेगा, भेजो रे भैया। तो बहुत मुश्किल से दोनों को मन नहीं, मतलब जैसा ये मौसम जो है ना बॉडी को और सुस्त सा कर दिया है। सो किस तरह समझा कर हम लोगों को भेजे हैं। तो चलो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने किचन में और लग पड़ते हैं खाना वगैरह बनाने में। तो यहाँ पे गाइस हमारा मटर छिल चुका है अच्छी तरीके, और इसको हम कर देंगे बॉयल। थोड़ा चुटकी भर हम लोग डाल देंगे नमक। यहाँ पे हमारा गाइस मटर जो है बॉयल हो रहा है, ये देखो, और 5 मिनट में हमारा मटर अच्छी तरह से हो जाएगा बॉयल। यहाँ पे हम लोग ऐसे दबा कर देखेंगे, आसानी से हमारा फट गया। तो चलो हमारा हो गया मटर बॉयल। तो यहाँ पे हम लोग मटर को अच्छी तरह से छान लेंगे। बैठा रखे हम इनके लिए चाय, बन रहा है चाय, लेक्चर मत मारिए। तो यहाँ पे ये पीसने जा रहे हैं मसाले, आराम से उल्टा चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चलाते हैं उसी हिसाब, गाड़ी चलाने का करते हैं। तो हमारा मटर हो चुका है ठंडा, और इस मटर में से हम लोग कुछ मटर खड़ा रखेंगे जो हम इस कटोरी में करते रहे हैं। इतना मटर हम लोग खड़ा रखेंगे, इतना सा, और इतना सा का हम मेल्ट कर देंगे इसको, ऐसे हाथ से ही फोड़ देंगे। तो ऐसे करते हैं कुछ मटर को जो है ग्रेवी के लिए तैयार कर लेंगे। तो ये देखो हमारा हमारा हो चुका है मेल्ट, ये जाएगा ग्रेवी में। और यहाँ पे गाइस साथ में हमारा भुजिया बन चुका है, अब इसको खाली करेंगे और इसमें ही हम मटर का दाल बनाएंगे। अरे यहाँ टमाटर हो रहा है पक रहा है। अरे यहाँ मेरी बेटी तो देखो मेरे को आके बोली पोच, पोच का मतलब चुप। अरे बेटा बेटा सुनो ना, ए राजा, ए मेरी जानी मन, मेरी प्रारे मन, बोलिए तो चुप चुप पोच। गाइस सुनो कैसे बोलती है मेरे बेटे, अरे बोलो माला ले छुटकू माला ले। पे हम मटर का दाल बनाने के लिए तेल डाल चुके हैं, और हम लोग तड़के में देंगे गाइस फोरन में पहला हमारा तेज पत्ता, और फिर हम लोग डालेंगे इसमें
थोड़ा जीरा, पर ये वैसे मत करो, थोड़ा मेथी दाना, कुछ खड़ा सूखा मिर्च भी रहेगा हमारा फोरन में। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी रेडी है, अभी हम मसाला डालेंगे सारा कुछ। इसमें बाद में हम गरम मसाला भी ऐड किए हैं गाइस, उस टाइम हम बता नहीं पाए थे। डाले मम्मी थोड़ा, तो यहाँ पे मसाला डाल चुके हैं हम, और एक्स्ट्रा में हम लोग ऐड कर देंगे पाउडर मसाला कुछ। तो हम लोग डाल देंगे हल्दी, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट अकॉर्डिंग हमारा नमक रहेगा, और इसको अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पे गाइस हम लोग टमाटर भी एक पीस डाले हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालने से खट्टा खट्टा हो जाएगा, तो एक पीस काफ़ी है हमारा हाफ के जी मटर का दाल बनाने में। तो बड़ा ही साइज था, छोटा साइज नहीं था। तो यहाँ पे हमारा मटर वगैरह भी सब कुछ रेडी है, और थोड़ी देर में हमारा मसाला भून ही जाएगा। यहाँ पे हमारा मसाला फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, इसमें हम लोग डालेंगे हमारा खड़ा मटर, और इसको अच्छी तरह से हम लोग करेंगे मिक्स 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम लोग डाल देंगे पीसा हुआ मटर, और इसको हम लोग 5 मिनट तक करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से हो चुका है मटर का दाल फ्राई। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी, थोड़ा सा पानी देखेंगे पहले चलाकर क्या ग्रेवी होती है। ठीक है, ठीक है ना मम्मी। यहाँ पे हमारा मटर का दाल में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, खोल चुका है। इसमें हम लोग लास्ट में हरा पत्ता धनिया का डाल देंगे। बहुत टेस्टी स्मेल आ रहा है गाइस, बहुत खुशबूदार मटर का दाल महक रहा है, क्योंकि न्यू मटर वाला जो महका था ना, वो गजब का आता है, एकदम से दूर दूर तक महक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और फाइनली हमारा मटर का दाल बन चुका है, देखो। तो साथ साथ में यहाँ पे गैस हमारा खाना भी बन रहा है, यहाँ चावल बन रहा है, और बच्चों के लिए अलग दाल बनेगा, क्योंकि वो लोग ये मटर का दाल खाता नहीं है, उन लोगों का तो अलग फुटानी है। तो सिंपल दाल उन लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे गैस खाली होगा ये वाला दाल बैठा देंगे। और हम आलू गोभी का भुजिया बना लिए हैं, टमाटर की चटनी बना लिए हैं, देखो ये देखो टमाटर की चटनी दिखा, टमाटर की चटनी पकाया हुआ बनाए हैं और कढ़ाई में नहीं। और हमारा यहाँ देखो आलू गोभी का भुजिया, और हमारा दाल रहेगा मसालेदार, क्योंकि इसमें सारा कुछ मसाला डालकर बनाया है। बस इतना ही खाना है, और बच्चों के लिए सिंपल सा दाल चावल और आलू का भुजिया। तो चलो गाइस जा रहे ब्रश करने, और फ्रेश होकर खाएंगे खाना, इतना ठंड में नहाने का तो बात रहा नहीं। सो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे, होप करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेगा, कोशिश करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।